अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैज ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज दोस्तों मैं मेरे पीछे 375 मिलत का ट्रैक्टर और इनका अज शीशे वाला फिल्टर आप साफ करन लगे हैं। मुकम्मल अच्छे तरीके नाल साफ करांगे और ये भी दसांगे कि इस दे विच पानी ते कचरा कित्थों आ जाता, क्यों आ जाता। तो वीडियो हुण आप स्टार्ट करने हैं दोस्तों। ठीक, कैमरामैन थोड़े नज़दीक लाया। फिल्टर विच ए दोस्तों देख रहे ने इस कितना कचरा और पानी इस है। इस की वजह ना साडा जेड़ा डीजल पंप है ना वो खराब हो जाता है। उस जे कीमती पुरजे वो खराब हो जाते हैं, जिमें कि साडा डीजल पंप दे लूटर है, लूटर की पालश उतर जाती है इस पानी नाल, इस कचरे नाल। बाकी जेड़े जितने भी कीमती पुरजे वो खराब हो जाते। ठीक है, हुण आपां इसनू साफ करने हैं दोस्तों। कैमरामैन कचरा तो दिखा, नजदीक कैमरा लिया। ए वेखो दोस्तों, ए जेड़ा तुहानू गंद नज़र आ रहा है ना, ये साड़ी टैंकी चू आंदा है ते पानी भी साड़ी टैंकी चू ही आंदा है। कुछ टैंकी साड़ी खुद बना दी है पानी रात दे टाइम, और कुछ गैलन वगैरह दे विच पानी आ जाता है, जिनी वजह नाल ये लिफ्टी पंप इत्थे तेल देंदा है और इतने फिर पानी शानी जो भी है गंद वगैरह इकट्ठा हो जाता है। अच्छा दोस्तों, जिन्हें यह सीलां तुसी कढ़नियां ना इस तरीके नाल ही विच पानी है। ठीक है ना, यह तुसी वेख रहे ने फिट हो गई। इत्थे ही सील मौजूद है, कैमरामैन दिखाई ए सील इत्थे मौजूद है। अगर ये सील तुहाडी लीक कर दी है तो ये सील नवी पाओ। अच्छा दोस्तों, हुण आपां इसे फिट करने हैं। अच्छा दोस्तों, इस पूरी पूरी कस देनी है, यह ना हो तुसी कसी आओ, कसी आओ तो ऐ कि जेड़ा शीशा है टूट जाए। ठीक है दोस्तों, मुकम्मल होना है, ये कसया गया। हुण आपां लिफ्टी पंप मारने इस दे विच तेल लिआउने हैं।
ए तेल आ रहा है बिल्कुल साफ। ये अगर असी साफ ना करिए ना साडा जल्दी पंप डीजल पंप से साडा जल्दी खराब हो जाता है। इसका खास ख्याल रखना चाहिए, कोई गलती नहीं करनी चाहिए, कोई लेट इस दे विच नहीं करनी चाहिए। जिमें तुहानू इस दे विच गंद वगैरह नज़र आता तुसी इस नू खोलते ते साफ कर लियो। ठीक है दोस्तों, ए दोस्तों मुकम्मल हुण इस दे विच ना डीजल तेल केड़ा है ना वो मुकम्मल बरीक गया है। ठीक है, अच्छा दोस्तों हुण तुहाडे ते इजाजत चाहना, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल नू जरूर सबसक्राइब करो और दोस्तों दे अगे शेयर ही करो, इस वीडियो नू शेयर करो। ठीक है दोस्तों, ओके अल्लाह हाफिज़।